पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हुई लगातार बारिश के चलते उन्नाव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते शुक्लागंज स्थित तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घरों के अंदर घुस गया है। हालांकि प्रशासन ने खानापूर्ति करते हुए सिर्फ मिश्रा कॉलोनी स्थित नवीन बाढ़ केंद्र का ताला खुलवाया है, लेकिन वहां बने कमरों में ताले अभी भी लगे हुए हैं। वहीं गंगा का पानी चेतावनी बिंदु के ऊपर बह रहा है, इसके बावजूद अभी तक प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा तटवर्ती इलाकों का निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचा है, जिससे यहां के रहने वाले लोगों को भारी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। इतना ही नहीं, सैकड़ों ऐसे मकान हैं जिनमें कमर तक पानी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने आवागमन के लिए नावें तक नहीं लगवाई हैं, जिससे क्षेत्रीय लोगों में रोष है। आपको बता दें कि पिछले एक महीने से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने के कारण पश्चिम के बांधों से प्रतिदिन कई हजार क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे उन्नाव के शुक्लागंज की और गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु 112 मीटर पार करके रविवार सुबह 8 बजे 112.150 मीटर पहुंच गया, जिसके बाद दोपहर 12 बजे जलस्तर के कारण करबला हुसैन नगर, शाही नगर, सैयद कंपाउंड, चंपापुरवा, तेजीपुरवा, मनसुख खेड़ा और गगनी खेड़ा मोहल्ले के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहां के रहने वाले सैकड़ों परिवार अपने गृहस्थी का सामान बटोर कर छतों पर रहने को मजबूर हैं। वहीं रविवार को अमृत विचार की टीम तटवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों का हाल जानने पहुंची। इस दौरान सभी ने प्रशासन के खिलाफ रोष देखा गया। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के लिए कुछ नहीं किया है, जिससे क्षेत्रीय लोग प्राइवेट नाव लगवाकर आवागमन कर रहे हैं। वहीं दोपहर लगभग 1 बजे मिश्रा कॉलोनी स्थित नवीन बाढ़ केंद्र की रियलिटी चेक की गई तो वहां पर मुख्य दरवाजे का गेट खुला हुआ था, जबकि अंदर कमरों में ताला लगा था। इसके साथ ही प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा मौके पर मौजूद नहीं था। गंगा के जलस्तर में बराबर बढ़ोतरी हो रही है। इस समय शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु 112 के ऊपर पहुंच चुका है और यहां पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से लोगों को आने जाने में कितनी समस्या है। लोगों के घरों के बाहर जो है पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में कहीं ना कहीं नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे भी जो है काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान हैं, उनका स्कूल कहीं ना कहीं इस बात को लेकर प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और बात करने के बाद उनसे पूछेंगे किस प्रकार की स्थितियाँ। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अलवेला। क्या स्थितियाँ हैं इस समय यहाँ पर? यहाँ स्थितियाँ क्या, यहाँ पानी बढ़ते ही जा रहा है, अब बच्चे जा नहीं पा रहे, हम लोग चल नहीं पाते हैं, हर चीज़ की प्रॉब्लम है। कोई चीज़ हम लोग को सॉल्व नहीं हो रही कि कोई चीज़ से आराम मिले या नाव लगे या कोई चीज़ की तकलीफ को। जिला प्रशासन द्वारा अभी तक क्या मदद की गई? कोई मदद नहीं की गई सर। हमारी आए थे यहाँ, आते तो देखते, कुछ नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। चलिए, हमारे साथ अभी यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी एक बार बात करना चाहेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आलोक शर्मा है। आलोक जी, ये बताइए क्या स्थितियाँ चल रही हैं इस समय, आप लोग किस परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं? ये परेशानी बहुत हो रही है, हर साल होती है, इतना पानी आया करता है और पानी बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। जिला प्रशासन द्वारा अभी तक क्या मदद की गई आप लोगों की? जिला प्रशासन आया करता है, कोई मदद अभी तक नहीं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर लोगों ने ये बताया कि चूँकि बाढ़ का पानी चूँकि हर साल की ये समस्याएं हैं, फिलहाल अभी जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को आराम मिल सके। उन्नाव से दुजेंद्र मिश्रा, अमृत विचार।